डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। श्रीदेवी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि किसी समय में इसे फिल्मों की सफलता का मूल मंत्र माना जाता था। 80 और 90 के दशक में वे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्री रही और उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में लगातार काम करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी पाए। वैसे तो श्रीदेवी ने अपने समय में सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन कुछ अभिनेता ही ऐसे हैं जिनके साथ लगातार उनकी जोड़ी बनती रही। आज हम आपके सामने उन मशहूर जोड़ियों का ही जिक्र करेंगे। कमल हासन, श्रीदेवी। श्रीदेवी की सबसे मशहूर जोड़ी तमिल फिल्मों की सुपरस्टार कमल हासन के साथ बनी। इस जोड़ी ने अलग अलग भाषाओं की लगभग 27 फिल्मों में एक साथ काम किया। कमल और श्रीदेवी की जोड़ी फिल्मों में बाद में बनी। साथ दोनों का स्कूल के दिनों से ही रहा क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक इंटरव्यू में कमल ने बताया था कि वो श्रीदेवी से तब मिले जब वो 15 या 16 साल की रही होंगी। इन दोनों को एक फिल्म में रोमांटिक जोड़ी के रूप में कास्ट किया गया था। कमल कहते हैं, वैसे तो एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में हमने कई फिल्में की, लेकिन हमारी परवरिश बिल्कुल भाई और बहन की तरह हुई है। पर्दे पर रोमांटिक सीन करने के बाद हम बहुत हंसते थे। हम दोनों के संबंध भी एकदम घर जैसे ही थे। इन दोनों की फिल्मों में मुंद्रू, मुड़ीछू, सदमा, 16 बैथी नीले, सिगप्पू, रोक्कल आदि मुख्य रही। रजनीकांत, श्रीदेवी। दूसरा सबसे ज्यादा फिल्में श्रीदेवी ने जिस अभिनेता के साथ की वो है रजनीकांत। श्रीदेवी की जोड़ी रजनीकांत के साथ लगभग 20 फिल्मों में बनी। एक समय था जब श्रीदेवी की फीस एक फिल्म के लिए रजनीकांत से ज्यादा हुआ करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म मुंद्रू मुड़ीछू का जिक्र करते हुए बताया था कि इस फिल्म के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे। फिल्म में रजनीकांत और कमल हासन भी थे। उस समय कमल हासन ने फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली थी जबकि रजनीकांत नए नए आए थे। इस फिल्म के लिए रजनीकांत को मात्र 2,000 रुपए और कमल हासन को 30,000 रुपए मिले थे। श्रीदेवी ने बताया था कि रजनीकांत उनकी मां के बहुत लाडले थे, इसलिए रजनी से भी श्रीदेवी के घरेलू संबंध थे। वैसे तो इन दोनों ने काफी समय फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन फिल्मों में प्रिया, जॉनी, पोकिरी राजा, चालबाज जैसी कुछ फिल्में प्रमुख हैं। जितेंद्र, श्रीदेवी। अभिनेता जितेंद्र के साथ श्रीदेवी पहली बार 1983 में फिल्म हिम्मतवाला में नजर आई। इसके बाद लगातार इनकी जोड़ी जितेंद्र के साथ बनती रही और इन दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में 16 फिल्मों में काम किया। इन 16 फिल्मों में से 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। हिम्मतवाला के बाद इनकी फिल्म जॉनी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अकलमंद, तोहफा, बलिदान, सरफरोश, सुहागन, घर संसार, आग और शोला, धर्म, अधिकारी, औलाद, मजाल, हिम्मत और मेहनत और सोने पर सुहागा हैं। फिल्म हिम्मतवाला के एक गीत नैनो में सपना पर किया गया डांस श्रीदेवी के बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है। अनिल कपूर, श्रीदेवी। श्रीदेवी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ दर्शकों को बहुत पसंद आई। इस जोड़ी ने लगभग 13 फिल्मों में काम किया जिसमें से मिस्टर इंडिया, लम्हे, जुदाई, लाडला, हीर रांझा, मिस्टर बेचारा, रूप की रानी, चोरों का राजा, राम अवतार, जाबाज फिल्में मुख्य रही। ये दोनों एक साथ सबसे पहले फिल्म कर्मा में साथ नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में श्रीदेवी की जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ बनी थी जबकि अनिल कपूर पूनम ढिल्लो के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के बाद ही शेखर कपूर ने पहली बार इनकी जोड़ी फिल्म मिस्टर इंडिया में बनाई। इस फिल्म में दोनों ने बेहतरीन काम किया, लेकिन श्रीदेवी की तारीफ ज्यादा हुई और इस फिल्म से ही वो मिस इंडिया कहलाना शुरू हो गईं। सनी देओल, श्रीदेवी। स्वभाव से श्रीदेवी बहुत शर्मीली थी और ऐसा ही सनी देओल के बारे में भी कहा जाता है। इन दोनों ने साथ में 6 फिल्मों में काम किया जिसमें चालबाज, निगाहें, जोशीले, राम अवतार, सल्तनत और मैं तेरा दुश्मन शामिल हैं। हालांकि मैं तेरा दुश्मन में इन दोनों का ही गेस्ट अपीयरेंस रहा। अक्सर फिल्मों में किरदार हीरो के कहने पर हीरोइनों को मिलते हैं, लेकिन श्रीदेवी के कहने पर फिल्म चालबाज में सनी देओल को किरदार मिला था। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्देशक पंकज पराशर ने बताया कि सनी देओल का नाम फिल्म के लिए श्रीदेवी ने ही सुझाया था। हालांकि सनी इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वह किरदार बहुत छोटा था। वो अक्सर सेट पर मजाक करते थे कि इस किरदार को गेस्ट अपीयरेंस घोषित क्यों नहीं कर देते। ऋषि कपूर, श्रीदेवी।
हिंदी सिनेमा में इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो सबसे सफल मानी जाती है वो है श्रीदेवी की ऋषि कपूर के साथ फिल्म नगीना। ऋषि और श्रीदेवी के साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मैं तेरी दुश्मन के गीत पर श्रीदेवी के डांस को खूब सराहना मिली है। एक इंटरव्यू के दौरान खुद श्रीदेवी ने भी ये माना कि ये डांस खुद उनका भी सबसे पसंदीदा डांस है। ऋषि कपूर और श्रीदेवी एक साथ 6 फिल्मों में नजर आए, जिसमें से नगीना के अलावा कौन सच्चा कौन झूठा, बंजारन, चांदनी, गुरुदेव और गर्जना शामिल है। इन दोनों की जोड़ी अंतिम बार कौन सच्चा कौन झूठा फिल्म में बनी। मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी। श्रीदेवी की फिल्मों के चर्चे तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ रहे ही, इसके अलावा उनके चर्चे एक प्रेम कहानी को लेकर भी हुए। मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात पहली बार साल 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान के दौरान हुई। इसके बाद ये दोनों करीब आए और खबर उड़ी कि दोनों ने 1985 में शादी कर ली। हालांकि इस शादी से मिथुन हमेशा इनकार करते रहे, इस रिश्ते को भी कभी उजागर नहीं किया गया और इसके 3 साल बाद 1988 में ये शादी भी खत्म हो गई। 8 साल बाद उन्होंने बोनी कपूर से शादी की। मिथुन और श्रीदेवी ने एक साथ 4 फिल्मों में काम किया, जिसमें वक्त की आवाज, गुरु, वतन के रखवाले और जाग उठा इंसान शामिल है। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी। श्रीदेवी अपने समय में बड़ी अभिनेत्रियों में से रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन भी अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने मात्र 3 ही फिल्मों में काम किया है। दरअसल इन फिल्मों के बाद ही श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, बल्कि वो ऐसे समय में आ गई थी जब उन्होंने सोचा था कि एक ही किरदार को बार बार रिपीट नहीं करेंगी और ना ही बार बार एक ही कलाकार के साथ काम करेंगी। इस चक्कर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों को ठुकरा दिया था। अमर उजाला.com